नमस्कार दर्शकों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। काशिफ एक बार फिर आ गया हूँ लेकर टेलीकॉम की और टेक्नोलॉजी की दुनिया की तमाम खबरें और तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहता हूँ लगातार। आप हमारे जो प्रोग्राम में सवाल पूछ रहे हैं उसको लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं लगातार। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में सवाल देते हैं लगातार, हमसे हमारे बारे में आप लगातार जानकारी आप लेने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ लगातार। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आपने हमें कल के प्रोग्राम पर कमेंट दिए थे वो आज हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं संजीव कुमार जी है हमारे व्यूअर्स, उन्होंने लिखा है कि एयरटेल जियो बिल्कुल फ्री है 24 आवर्स के लिए, अनलिमिटेड कॉलिंग एंड डेटा। ये संजीव कुमार जी हैं, ये लिख रहे हैं कि एयरटेल जियो बिल्कुल फ्री है 24 आवर्स के लिए, यानी साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जियो और एयरटेल की संजीव कुमार जी बात कर रहे हैं। चलिए दूसरा कमेंट उठा लेते हैं, वो है डब्लू कुमार लिखते हैं, सर कोई भी टावर लगवाना चाहिए जियो तो कैसे लगाएं, अगले वीडियो में ज़रूर बताइएगा। डब्लू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और आप हमसे गुजारिश भी करते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊँ। देखिए डब्लू भाई, इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आपको जो है वो जियो का अगर टावर लगवाना है या फिर कोई और कंपनी का टावर लगवाना है तो आप कंपनी के अधिकारियों से ही संपर्क करें, बाकी किसी और से संपर्क ना करें। इस मामले में थोड़ा धोखाधड़ी भी होती है, तो आप सिर्फ कंपनी के अधिकारियों से, जो रजिस्टर्ड अधिकारी हैं उनसे बात करें। अगर आपकी जगह आपकी वो सुटेबल उनको लगेगी तो कंपनी आपकी जगह पर जरूर टावर लगवाएगी। तो अगला कमेंट ले लेते हैं, संदीप कुमार मौर्य जी कमेंट करते हैं हमें। संदीप कुमार मौर्य जी लिखते हैं कि वोडाफोन नेटवर्क स्लो है, डेटा स्पीड ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ तो हम लगातार अपने दर्शकों की इस समस्या को लगातार नेक्स्ट नाइन टेक बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सवाल को कंपनी से लगातार पूछ रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप मसले का हल निकालिए, नेटवर्क आनी चाहिए और नेट का जो स्पीड है वो होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर रहता है और होनी भी चाहिए स्पीड। तो फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं स्पीड कम रहती है, तो इसी को लेकर दर्शक लगातार सवाल पूछते हैं। अब है तन्मय बैनर्जी, एक हमारे व्यूअर्स हैं, वो लिखते हैं कि फ्री मिस कॉल अलर्ट सर्विस देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कंपनी को नए नए चीज़ों पे काम करना चाहिए। इनका अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल लगा हमें। आप जब हमसे अच्छे सवाल पूछते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अपना जो आप प्यार जताते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो तन्मय बनर्जी लिखते हैं कि फ्री मिस कॉल अलर्ट सर्विस देना चाहिए और कहीं ना कहीं ये अच्छा सवाल है, होनी भी चाहिए सर। और मनमोहन मनो करके लिखते हैं कि भारत में इस समय नंबर वन नेटवर्क सिग्नल कौन सी कंपनी का है, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इस वक्त तो देखिए नेटवर्क के मामले में तो कोई भी कंपनी को हम नंबर वन नहीं दे कह सकते, क्योंकि इस वक्त नेटवर्क की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है और नेटवर्क की वजह से काफ़ी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो हम भी आप ही के साथ खड़े हैं, हम भी लगातार यही कहेंगे कि इस वक्त कोई भी कंपनी नंबर वन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर थोड़ी बहुत अगर हम बात कर सकते हैं तो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क थोड़ा बहुत और क्षेत्रों के मुकाबले सही रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर हमने ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनीज में देखा है कि नेटवर्क सही नहीं रहते हैं। अगला कमेंट है, हारून खान उर्दैन साहब लिखते हैं कि कहाँ का मर्जर आइडिया सिम पर वोडाफोन का नेटवर्क नहीं आया, मेरे गांव में वोडाफोन का नेटवर्क है। यानी आप लोग थोड़ा सा गुजारिश है आपसे कि जब कमेंट लिख के तो थोड़ा क्लियर कर दिया करें आप किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। कि उन्होंने लिखा है कि आइडिया और वोडाफोन के नेटवर्क मर्जर को लेकर ही वो बात कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो बिल्कुल, और यहाँ तक ये भी लग रहा है कि उनके गांव में जो है वोडाफोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है, शायद ये भी एक दिक्कत है। तो बिल्कुल बरुन खान उदैन जी, हारून खान उदैन जी, माफ़ कीजिए आपका नाम हारून खान उदैन जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दिक्कत तो है और उस दिक्कत का समाधान भी होना चाहिए, कंपनी को जल्द से जल्द सोचना चाहिए। अगला कमेंट है कृष्ण कुमार जी का, वो लिखते हैं कि आइडिया और वोडाफोन से किसी का नेटवर्क नहीं है हमारे यहाँ, 4G की तो बात दूर, 2G 3G भी नहीं है। इन्होंने कृष्ण कुमार जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है और हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से सवाल उठाया है। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि 4G की तो बात छोड़िए, 2G 3G की भी नहीं आती, और इसी को लेकर
ट्राई ने यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई थी कि आप कस्टमर के साथ धोखा कर रहे हैं, आप लोग चीट कर रहे हैं, आप 4G के नाम पर 3G और 2G स्पीड दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये कृष्ण जी की बिल्कुल बात सही है। उन्होंने कहा है कि किसी का कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, उनका जो भी गांव है। आप जब कमेंट लिखा करें तो अपने गांव का नाम और राज्य का नाम ज़रूर बताया करें, ताकि इससे हमें आसानी हो जाए कि भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर है। तो कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया। ऐसे ही आप हमसे सवाल पूछते रहे, अपने परेशानियां हमें बताते रहे, हम आपकी आवाज़ हमेशा बनते रहेंगे। अगला कमेंट ले लेते हैं, कृष्ण कुमार जी का ही है, वो काफ़ी बड़ा उन्होंने कमेंट लिखा है। वो लिखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा वोडाफोन और आइडिया लिमिटेड के मर्जर से। सवाल उन्होंने उठाया है कि भाई उसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा तो तब होगा ना जब कोई उसका कोई फ़ायदा जनता को पहुँचेगा, आम इंसान को पहुँचेगा। क्योंकि देखिए, फ़ायदा जब तक आम इंसान को नहीं होता, जब तक कोई उसमें मज़ेदारी नहीं है। तो कृष्ण कुमार जी लिखते हैं कि आखिर कब तक सर्विस देंगे कस्टमर्स को वोडा और आइडिया? जब तक मार्केट का हिस्सा बनेंगे तब तक न्यू टेलीकॉम कंपनी 5G नेटवर्क पर काम करेंगे, तो वो भी और बेहतर सर्विस के साथ। 2G और 3G का तो नेटवर्क अभी तक नहीं है, और इंडिया की नंबर वन टेलीकॉम बनाने वाली है। 4G और 5G लाते लाते ज़िंदगी बीत जाएगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, इस तरह तो कभी नहीं बन पाएगी इंडिया नंबर वन टेलीकॉम कंपनी। बिल्कुल उन्होंने कह सकते हैं, कृष्ण कुमार जी ने काफ़ी लंबा कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि भाई आप सर्विसेज नहीं देंगे तो आप नंबर वन कंपनी नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें कृष्ण कुमार जी के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि भाई आपको अपनी सर्विस सही जाननी पड़ेगी, आपको अपना जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा, आपको नेटवर्क पर काम करना पड़ेगा। आप काम नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये कंपनी की कुछ चीज़ें हैं, कंपनी के अपने कुछ काम हैं, उनको करना चाहिए ताकि आम जनता की सुनवाई हो सके और आम जनता की दुख दर्द को समझ सके। अगला कमेंट है टैगलाइन प्रिंटर्स। टैगलाइन प्रिंटर्स ने भी काफी लंबा कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, सर मेरा सवाल है कि होम नेटवर्क में दोनों नेटवर्क में आ रहे हैं, मैं आइडिया कस्टमर केयर में कॉल करगा, उसने कहा कि सर दोनों नेटवर्क आएंगे, फिर वोडाफोन में कॉल किया, उन्होंने कहा रोमिंग में आपको आइडिया और वोडाफोन नेटवर्क मिलेंगे, क्योंकि मेरी ऑफिस में आइडिया नेटवर्क गुड है और घर में वोडाफोन, आइडिया दोनों गुड पर मेरा सिम वोडाफोन है, सो मैंने कल ही आइडिया में पोर्ट किया। बहुत कंफ्यूजन था सवाल है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, इनके पास आइडिया वोडाफोन दोनों सिम है, और ये इनके एक जो घर है, जहाँ पर इनका घर है वहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि आइडिया के नेटवर्क अच्छे आते हैं और वोडाफोन जो है उनके ऑफिस में अच्छे आते हैं नेटवर्क। तो यानी कुल मिलाकर हालांकि उन्होंने पोर्ट करा लिया है, तो अब वही है कि जाहिर सी बात है, अब आइडिया वोडाफोन, देखिए जो मर्जर जो हुआ है, मर्जर की मैं आपको बता देता हूँ, मर्जर का असल में हुआ ये है कि मर्जर के बाद कागजी तौर पर ये कंपनियाँ एक हुई हैं, लेकिन अभी इनकी सर्विसेज जो कस्टमर्स को दी जा रही हैं वो अलग अलग तरीके से दी जा रही हैं, उनके अलग अलग तरीके से प्लान दिए जा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सब आप जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को कुछ सिम अलग से मिलेगी, अभी दोनों के अलग अलग सिम काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे भी और जानकारी हमें मिलती रहती है लगातार हमारे चैनल पे, आप हमारे देखेंगे तो बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिसको लेकर लगातार हम आपको बताते रहते हैं, लगातार इस तरीके की अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो जाया करें। देखिए, ये सब हम आपको जानकारी लगातार देते रहते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया टैगलाइन प्रिंटर्स का, किस तरीके से बेहतर तरीके से इन्होंने बताया है, और किस तरीके से ट्राई एंड होप करके एक बहुत बड़े व्यूवर्स हैं, बहुत बड़ा कमेंट उन्होंने किया लिखा है उन्होंने, आई यूज्ड एयरटेल वोडाफोन आल्सो 3G ऑफ ऑल ऑफ देम व्हेन आई वाज 3G यूजर्स, नाउ आल्सो यूज्ड 4G एज वेल एज एयरटेल आइडिया वोडाफोन, बाय स्पीड इन सर्फिंग इन डाउनलोडिंग वोडाफोन इज बेस्ट, सेकेंड एयरटेल एंड आइडिया वर्स्ट एक्सपीरियंस इन 3G एंड 4G टू, वन मोर कॉमन एयरटेल एंड वोडाफोन बिकम ए स्लोअर इन डाउनलोड स्पीड एज सर्फिंग स्पीड, दे बफर इवन ऑन 240 PPI इन शॉर्ट, वोडाफोन 4G एंड एयरटेल 4G गुड एट डे टाइम बट गॉट बैड एक्सपीरियंस एट नाइट, देन आई स्टार्टेड यूजिंग जियो, इट गिविंग मी 15-25 MBPS ऑन रोमिंग इन ऑल्सो गुड इवन नाइट, आई हैव गुड एक्सपीरियंस विद जियो, जियो ऑल द वे टू स्टेबल, आई नेवर सी जियो इन एमरजेंसी कॉल्स ओनली, इट इज नॉट टाउन और विलेज नेटवर्क, स्टेबिलिटी इज ऑसम इन सम रूरल एरियाज, जियो नीड टू सॉल्व लो सर्फिंग प्रॉब्लम बट
जो एयरटेल आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क का भी ऐसा है रूरल एरियाज में, ये नेटवर्क बहुत सालों से होके भी ये प्रॉब्लम है, तो जियो जस्ट 2 ईयर्स है, डे बाई डे नेटवर्क ठीक हो जाएगा माई ओपिनियन। यानी साफ तौर पर इन्होंने पूरी जियो की तारीफ लिखी है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है बाकी टेलीकॉम कंपनी के साथ, और जियो के नेटवर्क अच्छे रहे हैं। तो ये थे आप लोगों के सवाल, आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के कमेंट्स जिसके मैंने बात की है। ऐसे आप हमें बहुत सारे कमेंट्स दे दिए ताकि हम लगातार आपको बताएं, आपकी बात आप तक पहुंचाएं, और कंपनी इस चीज़ को लगातार देख रही है और उस पर काम कर रही है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइट तक। नमस्कार।